हेलो बच्चों, क्वेश्चन क्या है देखिए, आइए देखते हैं। यूजिंग यूक्लिड्स एल्गोरिदम फाइंड द एचसीएफ ऑफ 1651 एंड 2032। एक्सप्रेस द एचसीएफ इन द फॉर्म 1651 m प्लस 2032 n फॉर सम इंटीजर्स m एंड n। सबसे पहले वो यूक्लिड एल्गोरिदम के द्वारा हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे, फिर HCF को एक्सप्रेस द HCF को किस फॉर्म में लिखेंगे, 1651 m प्लस 2032 n के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले HCF ज्ञात करेंगे, तो आसानी के लिए बउआ पहले डिवीजन मेथड से HCF ज्ञात कर लीजिए। 1651 डिवाइड 2032, वन टाइम्स करेंगे बाबू 1651, अब सब्सट्रैक्ट करेंगे 183 हुआ। ठीक है, अब देखिए अगला स्टेप करते हैं। 1651 चार बार में लगाएंगे, क्योंकि ये बाबू पांच बार में 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 हो जाता है, और 3 × 4 = 12 होता है, तो 81 × 4 करेंगे तो 16 से नीचे ही रहेगा। ठीक है, तो आइए गुना, वो तो गुना कर लेता हूँ ना। 4 × 1 = 4, 8 × 4 = 32, कैरी हुआ 3 × 4 = 12, 3 = 15। जब सब्सट्रैक्ट करेंगे तो आएगा, जानते हो कितना, 127। अब क्या करेंगे, 381 यहाँ लिख दीजिए, 3 times लगा दीजिए बउआ, 381 आ गया, सबस्ट्रेट कर दीजिए आ गया 0, मतलब कि एचसीएफ कितना आ गया, 127। बट इसको हम इस फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, वहां पे हमको लिखना है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम के हेल्प से बनाना, और उसी फॉर्म में हमको लिखना है। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, वो तो आसानी सुविधा के लिए वो हम कर लिए हैं। ठीक है, सबसे पहले बाय यूक्लिड्स एल्गोरिदम क्या होता है बाबू, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। आप चाहो तो बड़ा वाला जो 2032 है उसको a मान लीजिएगा, या मान सकते हो, और छोटा वाला को b मान सकते हो। तो बड़ा वाला कौन है बउआ, 2032 इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ बी 1651, कितना क्वेश्चेंट, वन टाइम से लगाए ना, तो वन हो जाएगा, रिमाइंडर कितना बचा है, 381। अब क्या है, बीच में बराबर डालिए, बराबर के उधर जो है उसको इस और ले आइए, 1651 इज इक्वल टू जो रिमाइंडर में उसको डिवाइजर के रूप में लाइए, 381 मल्टीप्लाई कितना टाइम लगाए बउआ, 4 times ना, 4 प्लस रिमाइंडर कितना है, 127। ठीक है, अब क्या करेंगे, 381 इज इक्वल टू 127 मल्टीप्लाई कितना टाइम लगाए बउआ, कितना टाइम्स, 3 times में, प्लस रिमाइंडर हो गया 0, तो सो HCF ऑफ 1651 and 2032 is equal to 127। ठीक है, ए बुआ अब हमारा तो HCF निकल गया, लेकिन अब क्या करा, एक्सप्रेस द HCF इन द फॉर्म, मतलब इस फॉर्म में हमको HCF को लिखना है। तो अब क्या कीजिए, इसको इक्वेशन 1 ले लीजिए, इसको इक्वेशन 2 और इसको इक्वेशन 3। ठीक है, अब लिखेंगे 127, देखिए यहाँ पे है हमारा HCF आया कितना, 127, तो हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन टू। ठीक है, क्या है, 1651 इज इक्वल टू 381 मल्टीप्लाई 4 प्लस 127। ठीक है, अब बउआ बीच में बराबर है इसलिए बाहर में या का चिन्ह दीजिए, आप ऐसे और लिखिए, कोमा दे दीजिए, बहुत अच्छी बात, ये भी रहेगी।
अब क्या करेंगे, 127 को लिखना है ना, तो इसको अलग कर देंगे, लिखेंगे 1651 माइनस 381 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 127। यह हुआ मल्टीप्लीकेशन में है, ये प्लस में है, इधर आके किस में हो गया, माइनस में। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, 1651 माइनस बउआ यहां पे 381 है। ठीक है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, यहां तो एक ही बार ना मल्टीप्लाई किए हैं, तो इसको तो हम ये लिख सकते हैं 2032 माइनस 1651, 2032 माइनस 1651। ठीक है, मल्टीप्लाई 4 है तो 4 कर दीजिए इज इक्वल टू 127, यहां लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, आप देखिए क्या कर लिखेंगे, और लिखे हैं तो और ही लिखिए। ठीक है, 1651 माइनस, अब 4 से मल्टीप्लाई करें, मतलब ब्रैकेट को हटाएंगे, तो ये हुआ माइनस, यहाँ पे प्लस है तो ब्रैकेट के बाहर क्या है, माइनस है, तो चिन्ह बदल जाएगी ना, माइनस 2032 गुना 4, ये माइंड है बउआ, तो हो जाएगा प्लस 1651 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 127। ठीक है, और बउआ ध्यान से इधर देखिएगा, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 1, ये भी प्लस से में यहाँ पे है। ठीक है, ये भी प्लस में और ये भी प्लस में, 2 × 4। ठीक है, प्लस 2, तो हम इसको 2 × 5 लिख सकते हैं कि नहीं, 4 × 2 = 8, 2 = 10, 2 × 5 कितना हो गया, 10। उसी प्रकार से बउआ हम इसको लिख सकते हैं 1651 मल्टीप्लाई 5 माइनस, ए बउआ हमको किस फॉर्म में लाना है, यहाँ प्लस में ना, यहाँ है माइनस में, तो यहाँ पे प्लस लगा दीजिए 2032 मल्टीप्लाई, यहाँ माइनस 4 लगा दीजिए, ठीक ना, इज इक्वल टू 127। सो 127 इज इक्वल टू 1651 मल्टीप्लाई 5 प्लस 2032 मल्टीप्लाई माइनस 4, वेयर ए बुआ एम के स्थान पे क्या आया है, M के वेयर M इज इक्वल टू 5 एंड N इज इक्वल टू एंड N इज इक्वल टू माइनस 4, यही तो हो गया हमारा आंसर M और N की वैल्यू। ठीक है,